अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेफ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेफ गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। ये जो जगह मैं आज आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, दैट्स कॉल अ नाड़े। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ नाड़े, बट यहाँ पर स्प्रिंग वाटर जो है वो निकलता है, और यहाँ पर जो है वो ग्रेट बाथ बना हुआ है, जहाँ पे स्नान घाट है और सरोवर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा सारी यादें वस्ता होंगी लोगों की, लेकिन मैं यादें ताज़ा कर रहा हूँ। अमरदीप सिंह राइटर जो हैं वो सारों के लिए काम करते हैं, मैं आज उनके लिए ये स्पेशल काम कर रहा हूँ। अमरदीप जी, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जो है वो शहर है, और इसके करीब करीब ही वो कहीं रहते होंगे, सरदार दयाल सिंह साहब, आपके नाना जी। और ये सामने जो बिल्डिंग मैंने आपको पहले दिखाई है, ये सनातन धर्म गीता भवन गेस्ट हाउस है हिंदू धर्म का। और ये नीचे जो है वो आपको मैं जहाँ पर लेके जा रहा हूँ, स्प्रिंग वाटर है, बहुत बड़ा रिजर्वायर बना हुआ है, जहाँ ये प्री पार्टीशन 1896 का बना हुआ है, 1898 और 1896 का। और इसके साथ ही सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा टेंपल है, यहाँ पर मंदिर है, जो कि इस पूरे एरिए में सिर्फ एक ही मंदिर नज़र आता है यहाँ पर। हाँ जी, वही दिखा, वो भी दिखाऊंगा, ये भी आपको करीब से दिखाऊंगा। ये जो है ये अर्ली डेज ऑफ में आप समझ लें कि जब शुरू के दौर थे, और बहुत ज़्यादा सारे यहाँ पर कम्युनिटीज इकट्ठी रहा करती थी, और ये वो बात था इसके अंदर जो है वो। और उसके बाद आगे चश्मे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कम से कम 112 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे नाड़ों तक आती हैं। ये है वो प्लेस, पुरानी बिल्डिंग है, मटमार कर दी है। ये देखें, ये वो सरोवर है, उसके निशानत है, नेचुरल वाटर आ रहा है और उसमें जो है वो इकट्ठा होता है, यहाँ पे लोग नहाते थे। ये पानी कभी भी खुश्क नहीं हुआ, और ये 1963 में नवा शहर के लिए वाटर सप्लाई जो है वो इसी जगह से तैयार की गई है। और इसके साथ ही जो है वो धर्मशाला और मंदिर है। बड़ी पीसफुल जगह है जी। हाँ जी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और चश्मा दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग वाटर का है, जहाँ से पानी सारा निकलता है। अमरदीप साहब, आपके नाना जी, आपके बाकी जो है ननियाल, वो सारे यहाँ से बात करते थे, पूरा शहर ही है। अच्छा, ये तो 23 है। हाँ, नवा शहर वाटर वर्क्स, जनाब जी ए मदनी करदा। हाँ जी, हाँ, सत्तार कायदे आज़म, CSP कमिश्नर पेशावर। हाँ, बतारीख 27 जनवरी 1963 में जो है वो इसको ये वो बनाया गया। और ये है जी वो मंदिर, और ये है साथ जो है वो बिल्डिंग क्या हाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली जो है वो बिल्डिंग अटैच है। और ये जो चिनार है, ये कोई तकरीबन 400 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि ये बहुत पुराना आर्किटेक्चर है, और प्री पार्टीशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप इसकी इम्पोर्टेंस को इस लिहाज से भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस पूरे एरिए में जो सिटी एबटाबाद है उसके अंदर भी कोई टेंपल नहीं है, तो ये एक ग्रैंड टेंपल यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके साथ ही सनातन धाम, गीता भवन जो है रेस्ट हाउस था, जो कि स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है, उससे पहले मैंने आपको जंज घर दिखाया। तो ये एक हिस्टोरिकल जो नवा शहर है, ये उसके फैक्ट्स हैं, और सरदार जो दयाल सिंह हैं उनका विलेज दिखा रहा हूँ, जो फ्रीडम फाइटर थे, पहली जंग अजीम में भी उन्होंने जो खिदमात थी उनकी, और वैसे थे तो वो सराफ, लेकिन फ्रीडम फाइटर के अंदर जो है वो शामिल थे। तो गुरप्रीत आनंद जो हैं उनको ये शर्फ हासिल है कि वो ग्रैंड सन थे, उनके नवासे हैं, वो यहाँ तक तो नहीं आ सके, लेकिन मैं उनके लिए ये सारा काम कर रहा हूँ, और मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि हमारे लोगों ने अभी तक कोई चीज़ ख़राब नहीं की है, कोई चीज़ तोड़ी नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं वक्त के साथ खुद से ख़त्म हो रही हैं। इतने पुराने आर्किटेक्चर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है डिमोलिश हो रहे हैं, क्योंकि इनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे इस धर्म के लोग नहीं हैं, और जो लोग हैं वहाँ पर इतने पीसफुल हैं कि मैंने आपको दिखाया, इवन देन दे नॉट डिस्टर्ब स्टोन लेड बाय, मतलब कि यहाँ के जो पत्थर जो लगवाया है उसकी जो सेवा करवाई है वो तक अभी तक किसी ने ख़राब नहीं की है।
मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। ये तमाम पेजेस के साथ मैं अपना आपका अपना होस्ट ये वाला आपको जो बहुत तारीखी मंदिर जो है वो दिखा रहा हूँ आपको, जो कि एबटाबाद और मानसेरा नवा शहर जो था उसके लिए ये वो जो है था। तो देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। मैं अभी क्लोज शॉट्स लेता हूँ, शायद वहाँ पर कुछ मिल जाए मुझे। हाँ, एक्सेस नहीं है, रास्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरी साइड से आके आपको कुछ ना कुछ मंदिर का कोई हिस्सा जो है वो दिखा दूँ। इसका रास्ता है जी यहाँ से, ऊपर है रास्ता जाने के लिए जी, अंदर इधर रास्ता है ना, हैं वो गोनियों को चाबियों थी सिपरा को ना, ये शाहजी बोले जाके कमेटी के शाहजी के कहना है 6 फुट रहा है नहीं तो रहा है सिर्फ रहा बने जाने ना ना अंदर जाने के लिए अंदर इस साइड तो अब रास्ता नहीं था सर, चाबी किसको ले आओ सारा मेन में डाल मत मार दीजिए सर। That's a typical language of the जी बिल्कुल धर्मपुरा ऐसे ही है, इसका पुराना नाम था जी धर्मपुरा और बाद में उसमें नवा शहर राजा रसालू की गवर्नमेंट थी। सही, ये उसके साथ जो अटैच बिल्डिंग्स हैं वो तो मैं देख आया हूँ, मुझे ये देखना है मंदिर, ये भी दिखा दिया, ये साथ वाले चश्मे भी जी दिखा दिए, मंदिर देखना है बस, शुरू मंदिर देखना है। हाँ जी, वो चाबी दासो कमेटी पे जाना, वो कमेटी भी तो जाना, उसके लिए चाबी से है मिल भी है। चलें जी यहाँ से, ये धर्मपुरा नवा शहर बनने से पहले इसका नाम धर्मपुरा था। मैंने ये देखा है सारा। हाँ जी, ये आ गया जी मंदिर, और मंदिर के अंदर गैस भी लगी हुई है नेचुरल। ये जी इधर वही गेस्ट हाउस, जो लोग छोड़ के गए हैं वो देखें कि ये इतना मॉडर्न एरिया हो गया कि यहाँ पर पाकिस्तान की नेचुरल गैस पाइपलाइन के जो हैं वो कनेक्शन भी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ जी गीता भवन रेस्ट हाउस है, और ये आपका जो मैं मंदिर दिखाना चाह रहा था ये वो तारीखी मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हुआ करती थी इसलिए। हिंदू टेंपल नवा शहर, ये मंदिर है और मंदिर को लगा हुआ ताला है। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सिव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, एटलीस्ट एबटाबाद नवा शहर के अंदर मैंने एक जो है वो मंदिर जो है उसको तलाश कर लिया, गुरुद्वारा डिमोलिश हो चुका है वरना मैं आपको गुरुद्वारा भी दिखाता। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। ये देखेंगे किटन्स, छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। और ये है मंदिर का, ये बहुत राजा रसालू का बता रहे हैं, उनका जो है पीरियड है वो काफ़ी पुराना है, और ये जो इसकी बिल्ट बाय नज़र आ रहा है ये तो कोई मुगलिया दौर का लग रहा है, काफ़ी पुराना है ये। और देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, ये है मेरा पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, और मैं तमाम पेजेस के साथ आपका अपना होस्ट बाबा जी।